उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो हुए हत्याकांड के विरोध में महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र बंद का आदेश जारी किया है, जिसमें कई सारे शिवसेना कांग्रेस मतलब आघाड़ी सरकार द्वारा पूरे महाराष्ट्र बंद करके ये निर्णय लिया गया आज 11 तारीख को। तो इससे जुड़े कुछ हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स में जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे कामगार सेना द्वारा प्रदर्शन जारी किया गया है, साथ ही ब्लैक पट्टी बांधकर यूपी सरकार और एनडीए सरकार को एनडीए सरकार का जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है लखीमपुर हत्याकांड को लेकर, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ के कामगार सेना से लेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? नरेंद्र शिंदे। तो नरेंद्र शिंदे जी, जिस तरीके से आप लखीमपुर में जिस तरीके से हत्याकांड किया गया है किसानों का, तो उसके बारे में आज प्रदर्शन जारी पूरे महाराष्ट्र में आपके द्वारा, तो उसके बारे में जानकारी हमें दीजिए। देखिए, केवल लखीमपुर में जो हत्याकांड हुआ उसका जो निषेध करने के लिए हम ये नहीं कर रहे, बल्कि केंद्र सरकार ने जो कामगारों के खिलाफ जो जितने भी डिसीजन लिए हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम से जो कामगार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो कामगार विरोधी धोरण उन्होंने अपनाया है, ऐसे बहुत सारे कायदे लाए हैं जिसकी वजह से आज संपूर्ण रेलवे में प्राइवेटाइजेशन आया है और हमारे जितने भी बड़े बड़े वर्कशॉप है माटुंगा से लेके परेल से, वहाँ अभी परमानेंट वर्कर बचा नहीं है। जब ऐसी वक्त थी कि परमानेंट वर्कर टेम्पररी वर्कर परमानेंट होते थे, आज इस सरकार की वजह से परमानेंट वर्कर टेम्पररी हो रहे हैं। ये जो कायदा है कामगारों का, उसके खिलाफ और लखीमपुर की जो घटना है वो पूरा भारत के हर एक व्यक्ति के लिए निंदादायक है। जो शेतकरी अपने हक के लिए विरोध कर रहे, वो गरीब शेतकरियों के ऊपर ट्रैक्टर लेके जाना और उनको ख़त्म करना और उस आंदोलन को ख़त्म करना, इसके जैसी निंदाजनक कार्य आज तक की किसी भी सरकार ने की नहीं। और एक कामगार होने के नाते हम इसका यहाँ CSC स्टेशन में बैठ के निषेध कर रहे हैं। चंद्रिका दिना जी, जिस तरीके से आप विद्रोह कर रहे हैं कि एनडीए सरकार का लखीमपुर कांड के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से महाराष्ट्र में सारे चीज़ें आपने बंद करवा दिए, सब दुकान ट्रांसपोर्टेशन से कई ज़्यादा आम जनता को तकलीफ हो रही है? आम जनता को तो तकलीफ होगी ना, हम जो कर रहे हैं वो तकलीफ की वजह से ही कर रहे हैं ना। हमें कोई ये शौक नहीं है कि हमारे कोई ये फंडा नहीं है कि हमें ये सब रास्ते में उतार के कोई बंद करना है। कि सरकार हमारी, जब हम एक संविधानिक मतदान करके उन्हें हम सरकार चुन देती है, तो चुनी हुई सरकार हमारे खिलाफ हमारे अधिकार को रौंद दे, ठीक, ये कैसा संविधान? हमारी लड़ाई, हमारा आज का निषेध उस सरकार के कामगार विरोध उनके निर्णय के खिलाफ। हम कामगार हैं, हमारे हक हमें मिलने चाहिए। हमारे किसान भाइयों की क्या मांग है, आप उनकी चर्चा करिए। आज कितने महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, उन्हें क्यों न्याय नहीं दिया जा रहा? हम हमारे भारत देश में हर एक हमारा अधिकार मिलने की हमें लड़ाई करनी पड़ी। तो इसकी क्या वजह है कि एनडीए सरकार आपकी बातें सुनने रही है? आप तो जानते हैं, आप हमारे से ज़्यादा अभी जानते होंगे कि आज मोदी सरकार कितनी अधिकारशाही से चल रहा है। तो आपको लगता है तानाशाह बन गए सरकार? शायद बन रही होगी, इसके लिए तो हमें आज रास्ते पे उतार के निषेध करना पड़ रहा है। हमारे कामगार विरोधी जो कायदे बना गए हैं ये अच्छे हैं, हमने बता दिए गए हैं हमारे नेतृत्व के जरिए, हमारे पक्ष के जरिए, ये गलत है ये कायदे, हमें आज उतार कर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा निषेध हमारे करना पड़ रहा है, हमें उनका हमारा विरोध उनके प्रति तीव्र कर रहे हैं। अगर इस निषेध से आज जो महाराष्ट्र बंद है उससे अगर सरकार जगी नहीं तो आप क्या करेंगे? इसे उग्र आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से, जैसे कि आज जो संविधानिक जो हमारे अधिकार है उस आंदोलन के जरिए करेंगे। तो जिस तरीके से अपना कामगार सेना द्वारा इस बातों को लेकर कि जिस तरीके से एनडीए सरकार या यूपी सरकार का है, जिससे लखीमपुर में जो किसानों पर ट्रैक्टर चलाए गए, गाड़ियाँ चलाए गए और कई सारे किसान मारे गए, कुछ किसान साथ में कुछ रिपोर्टर से, एक रिपोर्टर से मारे गए उस कांड में, तो उसको लेकर महाराष्ट्र पूरे तरीके से महाराष्ट्र बंद की निर्णय लिया गया, इसका आंदोलन किया गया पूरे एनडीए सरकार के खिलाफ। तो अब देखना ये कि ये आंदोलन आखिरकार कब तक चलता है महाराष्ट्र में।